चुनाव लड़ने की जो भूख है ना उसको शांत कर लें। जो और साथी हैं जो बार बार लड़ते रहे हैं उनको दूसरे नए साथियों को मौका देना चाहिए। जो लोकसभा लड़े उनको तो बिल्कुल ही नहीं लड़ना चाहिए, और जो कई कई बार भी लड़ लिए हैं उनको भी पीछे, क्योंकि ये कोई यहाँ खानदानी कोई पट्टा तो लिखवा के नहीं आए हैं सब लोग कि मैं लड़ूंगा फिर मेरा बेटा लड़ेगा फिर बेटे का बेटा लड़ेगा और फिर भाई हम जो है गिरदावरी लिखवा लेंगे और फिर जो है हम पूरा प्रदेश पे कब्जा कर लेंगे। ये कब्जा वाली जो प्रथा है ना ये छोड़ देनी चाहिए, नए लोगों को देना चाहिए मौका। आपके दल के ही जो नेता हैं वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब भावी मुख्यमंत्री भी उनके समर्थक कहते हैं, तो क्या उन लोगों को भी ये बात आप कह रहे हैं? मैं तो सभी को कह रहा हूँ कि जोर लगाओ पहले सीट जिताने में, अच्छे कैंडिडेट को चूज करो, जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया उनके बारे में सोचो। ये नहीं कि भाई वहाँ फलाना बदल गया तो अब जो है नए आइटम लेके आ जाएंगे मार्केट में, ऐसे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा अच्छे संघर्षशील, जिन लोगों ने विधानसभाएं घेराव करी है, जिन्होंने किसान मजदूर के लिए संघर्ष किया है, 36 बिरादरी का भाईचारा है, जब भी उसको खतरा हुआ लोग सड़कों के ऊपर निकले हैं, ये नहीं कि जिससे लोग नफरत करते हों। तो सारा मामला लोगों को मैं समझता हूँ कि समझना पड़ेगा, संघर्ष करने वाले मेहनत करने वाले ईमानदार लोग उनको पार्टियों को आगे रखना पड़ेगा, तभी जा करके पार्टी का भला होगा। हुड्डा और शैलजा की जोड़ी आपको सपोर्ट नहीं करी, क्या चुनाव के नजदीक आप उनको सपोर्ट करेंगे? मैंने तो ये पहले ही कहा है कि जिसने मुझे जितना सपोर्ट किया है उतना ही सपोर्ट करूंगा, बाकी आप कुछ जानते हो सारे लोग। कांग्रेस के प्रचार आप कैसे करोगे अपने लेवल पे? ना हमारी तो पार्टी ड्यूटी लगाएगी तो 90 की 90 सीटों के ऊपर जाएंगे, लेकिन अपने तरीके से जाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे।